अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। आप सबका इस्तकबाल है आजाद न्यूज पर। बदनाम जमाना राउडी शिटर गना नसीर पुलिस की गिरफ्त में। पहले से ही 17 केसेस में मुलाविस नसीर आर्ट गेमिंग एक्ट, एक आर्म्स एक्ट और दूसरे केसेस में फंसे हुए हैं गना नसीर। अब 3 दिन पहले चार मीनार के पास छोटे कारोबार करने वालों से मामूल की उसूल में मारपीट करने पर हुसैनी आलम पुलिस ने किया गिरफ्तार। गना नसीर की उम्र देखते हुए इनकी राउडी शीट बंद कर दी गई थी। डीसीपी साउथ जोन आईपीएस गजराव भोपाल ने बताया कि फिर से अब गना नसीर की राउडी शीट खोल दी जाएगी। हमारी नुमाइंदे रिपोर्टर शेख मोमिन की यह खास रिपोर्ट पेश है। हर अहम खबर से बाखबर रहने आजाद न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। चारमीनार के पास में एक झगड़ा हुआ था, इसमें मोहम्मद मजीद और नईम जो टॉवल बेचते और बैग बेचते, और उसके खिलाफ है वो चार लोग। इसमें अहमद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश वो हैंड बैग बेचता है वहीं पे, दोनों के बीच में वहाँ फुटपाथ पे स्पेस के लिए झगड़ा हुआ। और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश जो है वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाए, इसमें सादिक बिन महमूद, मोहम्मद शफीउद्दीन और एक मोहम्मद नसीरुद्दीन एलियास गाना नसीर, ये तीनों को बुलाए और ये लोग आए रॉड लेके इसको जो मोहम्मद मजीद को मारे उसका पैर में फ्रैक्चर हुआ। ये चारमीनार का इलाका जो है बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे, पूरा हैदराबाद में बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे और पूरा मीडिया का फोकस रहता है वहाँ पे। इस जगह में ऐसा इंसिडेंट होना जो सब लोग देख रहे, और जो पीक टाइम पे जब टूरिस्ट आते उस टाइम पे हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सेंसेशनल हुआ। उसी दिन ये 3 लोगों को अरेस्ट कर दिए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश, सदीक बिन महमूद और मोहम्मद शफीउद्दीन। और अभी कल मोहम्मद नसीरुद्दीन अलियास गन्ना नसीर को अरेस्ट किया गया। नसीरुद्दीन अलियास गन्ना नसीर वो भवानी नगर का रहने वाला है, और उस पर पहले एक राउडी शीट था, मगर उसका एज ज़्यादा हो गया, वो उस पर पिटीशन कर गया तो 1-2 साल पहले उसका शीट क्लोज कर दिया। अभी फिर उस पर रीओपन कर रहे हैं राउडी शीट, और उस पर नज़र रखेगी। और हैदराबाद पुलिस की तरफ से यही मौक़िफ है हमारी कि यहाँ कोई भी लॉ ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले, रॉडी एक्टिविटीज़ करने वाले किसी टाइम पे किसी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे। एज़ पर लॉ बहुत सख्त एक्शन लेंगे उन पर, और कोई भी वहाँ पे गुंडागिरी करेगा और कुछ मामूल जैसा कलेक्ट करना है तो जब भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो इमीडिएटली हमारे नोटिस में लाए, किसी पे ये इल्ज़ाम लगा तो पूरा इंक्वायरी करके अगर कुछ सच निकला तो उस पर एक्शन लेंगे। सर, 54 बॉडीज का एक्स्ट्रा ऑर्डर है, लेकिन प्रेजेंट में वहाँ पे 1000 के ऊपर बॉडीज का है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम, पुलिस को प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, वो क्यों रिमूव नहीं कर रहे हैं सर? इस पर आप जो बताए इसके लिए हम GHMC, ट्रैफिक और लैंड ऑर्डर तीनों मिलके इस पर एक्शन लेना है। हम एक बार सब अथॉरिटीज़ को मिलके हम इस पर एक रिव्यू करेंगे। सर, इससे पहले भी यही बात आई थी कि हम एक्शन लेंगे बोल रहे हैं, लेकिन ये तीसरा अटेम्प्ट हुआ है वहाँ पे। कल तो एक्शन लिया ना, कल ऐसा हो गया कि कोई आदमी की जान गेबर ही बोल रहे पुलिस एक्शन नहीं, ऐसा बात नहीं। ये जो कोविड के टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो गया पूरा, सब लोग का पूरा 6 महीने, एटलीस्ट 4-5 महीने तक पूरा डिस्टर्ब हो गया, किसी शॉप का किसी बिजनेस नहीं चला। और जब वापस बिजनेस आए तो हम थोड़ा रिलैक्स किए उतना, क्योंकि वो बहुत बिजनेस में लॉस हुए। लेकिन जब ज़्यादा अभी हो गया और थोड़ा एक वायलेंस का इंसिडेंट भी हुआ, तो हम बहुत केस लगाए, पूरा क्लियर कर दिए। और ऐसा कोई है
तो इमिडिएटली हमारे नज़र में लाए, हम एक्शन लेंगे। सर ये तो इसके ऊपर जल्द से जल्द आप लोग एक्शन, हम जरूर लेंगे, जरूर। हमारे नज़र में आ गया अभी जो इंसिडेंट हुआ, जो अभी कुछ भी है तो डायरेक्टली मुझे आप बोल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम जरूर एक्शन लेंगे। उसके बावजूद भी बोलते वहाँ पे इस तरीके से कल से पूरा एक्शन लिया, कल रात से देखेंगे, आज कल रात भी बहुत पूरा क्लियर कर दिया वहाँ पे, पूरा जाने का आने का पूरा रास्ता तो अभी क्लियर कर दिए। जो अनऑथराइज है उस पर केस भी लगाए, कल भी लगाए, कल तो पेटी केसेस 60 के आसपास केस लगाए, कल एक्शन तो ले रहे हैं अभी। कहीं भी अगर कम्युनल इश्यू हो जाए तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं, चार मीनार में भी होना ये देखेंगे। हैदराबाद में कहीं भी देखे, स्पेशली बिजनेस सेंटर्स में दोनों कम्युनिटी का रहेंगे, दोनों कोई भी अनेक कम्युनिटी का है, सब लोग मिल, इसमें कम्युनिटी का डिफरेंस नहीं है। बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, अगर वो लीगली कर रहे एज़ पर रूल्स ऑफ GHMC, एज़ पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को आपके मामूल को डिमांड किया, किसी को आपको धमकी दे रहे, आपको गुंडागर्दी कर रहे, तो इमीडिएटली हमें कंप्लेंट कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। GHMC का वो परमिशन है, उनको रखने का हक है। हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रेवल्स, इंजनबोरी रोड अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेस एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल इस्टेट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291।